हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविकांत। आज मैं हूं नेक्स्ट वोकैबुलर पार्ट टू में। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स जिसे हम याद करने के अच्छे से ट्रिक देखेंगे, ताकि हमें आराम से याद हो जाए और जल्दी हम भूले भी नहीं। पहला वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट मीन्स क्या होता है? अब ये बेसिकली एम्यूलेट मीन्स होता है इम्प्रूव, कुछ चीज अपग्रेड, मतलब बढ़ना, जिसकी डिमांड बढ़ना, अच्छा होना। तो यहां पे इसे याद रखने का ट्रिक बताता हूं, यहां सिंपल ही से। एम्यूलेट आमला और इमली का आजकल क्या हो गया है? एम्यूलेट हो गया है, क्योंकि उसका इंप्रूव हो गया है, रेट काफी बढ़ गया, काफी डिमांड हो चुका है। एम्लियो रेट, इसके सिनोनिम्स क्या है? अमेंड, अपग्रेड, एनरिच, मेलियोरेट। तो इसे क्या समझ में गए? इसका अच्छा होना, इंप्रूव होना, ठीक है। आम, आमला और इमली क्या रेट हो गया आजकल? रेट इंप्रूव हो गया, एम्लियोरेट। इसे कर ले याद, आमला और इमली का रेट इंप्रूव हो गया है या बढ़ गया है। नेक्स्ट वर्ड है एमेनेबल। एमेनेबल क्या होता है? आज्ञाकारी कह सकते हो आप, जो आपकी बात को माने, जो हर चीज को एक्सेप्ट कर ले। यहां जस्ट लाइक दिस चाइल्ड, तो दिस जो बच्चा है क्या करता है? अम्मी के हर बात को मानता है। ये बालक, यहां से निकाल लो बालक, अम्मी के हर बात को मानता है। क्या है ये? एमनेबल चाइल्ड है। क्या है ये? एमनेबल चाइल्ड है। इसका सिनोनिम क्या होता है? एग्रीएबल, एक्विसेंट, डोसाइल, प्लेबल, फ्लेक्सिबल, ट्रैक्टेबल। इसके इस पे एक सेंटेंस भी है बाय एडोल्फ हिटलर कि द ब्रॉड मासेस ऑफ पॉपुलेशन आर मोर एमिनेबल टू द अपील ऑफ रियोटिक दैन टू एनी अदर फोर्स। अगर ब्रॉड मास से अगर सब अगर आगे कर रही है, बात मानती है, तो किसी भी अदर फोर्स से काफी मजबूत है और स्ट्रांग है। इसके टर्म्स क्या होते हैं? इंट्रैक्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? प्रिय, यह जिसको हर कोई लाइक करे। तो एमिएबल मींस क्या होता? अब ये जो है यहां पे देख ले, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है? उसकी माँ। तो अम्मी क्या होती है हर बालक के लिए? एमिएबल होती है। या अम्मी क्या होती है हर बालक के लिए, हर बच्चे के लिए? एमिएबल होती है। इसके सिनोनिम से क्या है? एमिकेबल, कॉर्डियल, लाइकेबल, सोशिएबल, एफेबल, जेनियल। मतलब कि सभी लोग, सबका मिनल एक ऐसा क्या है कि जो जिसका अच्छा सोच है, अच्छा स्वभाव है, अच्छा सोचता है, ठीक है, लाइक हर किसी का ध्यान रखता है, तो एमिएबल। इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अनसोशिएबल, जो कि बिल्कुल समाज को मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनसोशिएबल। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल में क्या होता है? एमिकेबल होता है कि मित्रवत, मतलब कि अच्छा रिश्ता, अच्छा दोस्ती, फ्रेंडशिप, या ऐसा मतलब काफी अच्छा नेचर रखना, जिसका मतलब कि मित्र व्यवहार हो, अच्छा प्रिय व्यवहार हो। तो इसका सिनोनिम से क्या है? ऐसा देख सकते हैं, गुड नेचर, हार्मोनियस, एग्रीएबल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो फ्रेंड हैं, दोनों का कैसा विचार है, कैसा व्यवहार है? एमिकेबल व्यवहार है, विचार है, ठीक है, गुड नेचर है, हार्मोनियस है, एग्रीएबल, मतलब एक दूसरे की बात मानते हैं। इसके एंटेंस क्या हो जाएगा? रूड, एडामेंट, जो कि हमेशा आवाज झाड़ करते रहते हैं, किसी की बात नहीं मानते, जिद्दी होते हैं लोग। तो एमिकेबल क्या समझ में आ गया? क्या होते हैं?
मित्रवत, प्रिय, गुड बिहेवियर, गुड नेचर पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है एमिस। एमिस मीन्स क्या होता है? समथिंग रॉन्ग, इनकरेक्ट। लाइक इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि कुछ गलत है। इस पिक्चर में क्या गलत है कि ये मिस जो है पैंट मिस कर गई है, पैंट पहनना भूल गई है। तो ये पैंट, ये मिस जो है अपना पैंट पहनना मिस कर गई है, यही क्या कहलाएगा? एमिस मीन्स इनकरेक्ट। ये क्या है? ये गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, इरेनियस है, अवरी है, मतलब कि ये गलत है, अनुचित है, सही नहीं है। इसका एंट्रेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अमिटी। अमिटी क्या होता है? फ्रेंडशिप। अब इसे याद रखने का ट्रिक बताता हूं आपको। अमिटी, ये अमिटी यूनिवर्सिटी यहाँ पे। अब ये अमिटी यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ाई कम, फ्रेंडशिप ज्यादा होता है। तो अमिटी से आपसे याद रख लें, अमिटी से ये आजकल अमिटी में ये हो रहा है, फ्रेंडशिप। अमिटी क्या होता है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, हार्मोनी, कॉर्डिलिटी। अमनेसिया, अमनेसिया में क्या होता है? कुछ भूल जा, सब कुछ भूल जाना, उसके लिए ज्यादातर मतलब कि असमस्त खत्म हो जाना, ब्लैकआउट। लाइक मनीषा क्या हो गया है? अमनेसिया हो गया है। इसे क्या सिनोनिम्स है? ब्लैकआउट, ओब्लिवियसनेस, ओब्लिवियन, ब्लैंकनेस, हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स क्या होता है? पार्डन, क्षमा, माफी, मतलब बेसिकली ऑफिशियल माफी, ऑफिशियल पार्डन। ठीक है, लेकिन आप देख सकते इस पिक्चर में एमनेस्टी कंट्रोल क्या करती है, मतलब जो सच्चाई के लड़ रहा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लड़ रहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लड़ रहा हो, उसको ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसको क्षमा याचना दिलवाती है, क्षमा करवाती है उसको गवर्नमेंट से। तो एमनेस्टी मीन्स क्या होता है? क्षमा याचना या ऑफिशियल पार्डन। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रिप्रीव, एवोल्यूशन, एग्जोनरेशन, रिमिशन। इसका एक एंटोनिम्स है पनिश, मतलब सजा देना। अनुसिनोनिम्स क्या होता है? सजा छोड़ना, मतलब मुक्त कर देना या सजा खत्म कर देना, कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एमॉक। एमॉक मीन्स क्या होता है? वायलेंट अटैक, या मतलब इसलिए जब कोई कोई वायलेंट हो जाए, लाइक ये यू कैन सी हियर कि आप जिस तरह मंकी यहाँ पे मॉक, मंकी, मंकी यहाँ पे क्या हो गई है? मॉक हो गई है, वायलेंट हो गई है, ये क्या कहलाएगा? तो मंकी आर बिकमिंग ए मॉक हियर। आप देख सकते हैं इस पर्सन की हालत हो गई, अभी बिल्कुल डर गया है, क्योंकि ये मंकी क्या हो गए हैं? ए मॉक हो गए हैं। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? बर्सरक, मर्डरसली, मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक। एमोरस, एमोरस मीन्स क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर या फिर लव अफेयर्स। तो इसके आप इस देख सकते हैं, इस तस्वीर से समझ सकते हैं आप, इस पिक्चर से। एमोरस मतलब कि आम और रस पीने वाला क्या करते हैं, कैसे होते हैं? एमोरस होते हैं। आम का रस पीने वाले एमोरस होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ डिजायर ऑफ लव एंड सेक्स। ये ट्रिक है यहाँ पे, गलत मत समझिए यहाँ पे, मैं ट्रिक बनाया यहाँ पे, ठीक है? दिस इज ट्रिक जस्ट ओनली फॉर रिमेंबर, नथिंग फॉर एल्स। कि आम का रस पीने वाले कैसे होते हैं? एमोरस होते हैं। आप इस पिक्चर देख के जा समझ सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? आर्डेंट, एमेट्री, पैशनेट। आर्डेंट, एमेट्री, पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। एक्सीड क्या होता है? बात मान लेना, स्वीकार कर लेना। लाइक सी एक्सेप्ट हिज ऑफर। एक सीडी देखकर ही इसने क्या कर लिया? बात स्वीकार करवा लिया अपना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एसेंट, कंसेंट, कंप्लाई, एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक क्लेम। एक क्लेम्स क्या होता है? बाहवा करना, तारीफ, मतलब ऐसा काम करो कि सभी क्या करें? एक क्लेम करें। जस्ट
तो मतलब ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कोई काम क्लेम कर दो जैसे कि बिल गेट्स ने क्लेम किया है। किससे क्लेम कर गया है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये, और दुनिया इनकी क्या करती है? क्लेम करती है बिकॉज ऑफ ए क्लेम ऑन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो सुनिम से क्या है? कमेंड, अप्लॉड, कमेंडेशन, अप्रोबेशन, ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। तो क्लेम्स क्या होता है? वाहवाह करना, बोझा तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सीजन। एब्सीजन क्या होता है? पत्ते झड़ जाना। कब? सीजन के ऑफ होने के बाद। आप देख सकते हो इस पिक्चर दोनों डिफरेंस क्या है, जैसे सीजन ऑफ हुआ पत्ते क्या हो गए, झड़ शुरू हो गए। तो यहां पे इस तरह से याद रख ले इसको आप, एब सीजन, अब सीजन ऑफ हो गया है, पत्ते क्या हो जाएंगे? एब्सीजन हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, छूट जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, इस सिनोनिम से क्या है? कटिंग ऑफ, सेपरेशन, एग्जरेशन, सब्सट्रैक्शन। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज में क्या होता है? कंफ्यूज कर जाना, बिल्कुल कंफ्यूज, दिमाग काम नहीं करना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपका अगर मैथ को जिस गर्ल को इस मैथ का एबीसी भी समझ नहीं आ रहा है, एबीसी समझ नहीं आ रहा मतलब क्या है इसके लिए? एब्स्ट्रूज है। तो क्या होगा? एब्स्ट्रूज में क्या हो गया? माइंड कंफ्यूज हो जाना, दिमाग काम नहीं करना। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? पजलिंग, प्रोफाउंड, मिस्टीरियस, रेयरफाइड, हाइब्रो, रिकंडाइट, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व, मींस क्या होता है? छोड़ देना, रिहा कर देना। अब केस सॉल्व, किसका? संजय दत्त जी का, और इनको एब्सॉल्व कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब केस हो गया सॉल्व, तो संजय दत्त जी क्या कर दिया गया? एब्सॉल्व कर दिया गया। सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? पार्डन, फॉरगिव, रिलीज, लिबरेट, रिमिट, एक्सक्यूज। तो इससे आप याद कर लेंगे, एब्सॉल्व क्या होता है? छोड़ देना। थैंक यू फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।